नावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो नारद के श्री राम के गुणों की चर्चा करने के पश्चात ये जो ऊपर 20 श्लोकों में जो श्री राम के गुण गिनाए हैं यहाँ पर, कि श्री राम जो हैं वो सभी प्रकार से सर्वथा दिव्य गुणों से सुसंपन्न हैं, और ऐसे उस सर्व गुणों से संपन्न श्री राम को युवराज पद देने के लिए महीपति ही महाराजा दशरथ ने संयोक्तुम ऐच्छत प्रीत्या उनको युवराज बनाना चाहा। माने इनकी शिक्षा आदि भी पूरी हो चुकी है और सब प्रकार से प्रजाओं के प्रिय हैं श्री राम, सर्व गुणों से संपन्न हैं और सारी प्रजा भी उनको बहुत प्रीति करती है और वो भी प्रजा को बहुत प्रिय हैं, ऐसे श्री राम को महाराजा दशरथ युवराज पद देने के लिए इच्छा करते हैं प्रीति पूर्वक। तो उसके बाद क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। तस्याभिषेक समभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनम च रामस्य भर्तस्याभिषेचनम स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामासः सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरं प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामहः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रं मनुदर्शयन्। तो जब जैसे ही श्री दशरथ जी ने राम को युवराज पद पे अभिषिक्त करने की इच्छा प्रकट की और सब गुरुजनों को और पूरी प्रजा में इसकी एक चर्चा हो गई, तस्य अभिषेक समारंभान, तो उसके अभिषेक की समारंभान दृष्ट्वा तैयारियों को देख करके, भार्यार्थ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवीं वरम एनम अयाचयत, तो जब ये तैयारियां होने लगी तो जो महाराज की पत्नी थी अथ कैकेयी भार्या, भार्या अथ कैकेयी माने इसके पश्चात जो महाराजा दशरथ की तीसरी रानी थी कैकेयी, पूर्वम दत्तवरा देवी जिसको पहले ही वरदान दे चुके थे महाराज, उसने एनम वरम अयाचयत, उसने इस वर की याचना की, अयाचयत माने याचना की, एनम इस वर की, एनम वरम इस वर की। तो जैसे ही ये तैयारियां होने लगी तो जो महाराज की पत्नी थी
कई कई जिसको पहले से ही महाराज ने, यहाँ कुछ ना कुछ निकलते ही रहते हैं, कभी गिरगिट निकलते हैं, कभी सांप निकलते हैं, कभी बिच्छू निकलते हैं, इधर गंगा मैया बह रही है, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है यहाँ पे। तो जैसे ही अभिषेक की तैयारियाँ होने लगी तो पहले से ही जिसको महाराजा दशरथ ने वर दिया था उन्होंने वरम एनम अयाचयत, तो यहाँ पर ऐसा वर्णन तो नहीं आया कि उसको किसने प्रेरित किया, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ले रहे हैं। तो मंथरा ने जिस प्रकार से उनको, मतलब उनके चित्त को जो है ना परिवर्तित कर दिया था, तो उसका यहाँ वाल्मीकि रामायण में जिक्र नहीं किया, इन्होंने सीधा ही बस इस वर्णन को आगे बढ़ा दिया। यद्यपि जो महारानी कैकेयी हैं वो पहले श्री राम को अत्यंत प्रीति करती थी, बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि श्री राम को युवराज बनाया जा रहा है तो भी उनको बहुत खुशी हुई। उनकी ऐसे उसमें मानस में आता है कि जैसे ही उनको पता लगा मंथरा ने, तो कई बार जो है ना जो बीच वाले लोग हैं वो भी कई बार संबंधों को ख़राब कर देते हैं, तो ये विडंबना है और उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। अब मंथरा का जो है, ऐसे सुना जाता है कि जो मंथरा थी और जो कौशल्या माता की दासी थी उनकी, उनका परस्पर आपस में बनती नहीं थी, तो उन्होंने मतलब उस अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए, और कौशल्या की जो दासी थी उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको रानी को भड़काना शुरू कर दिया। तो ये जो मनुष्य के राग द्वेष हैं इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं, मतलब ये हम जान करके भी, इतिहास से सीख करके भी सीख नहीं पाते हैं। ये अत्यंत प्रीति करने वाली थी और जैसे ही मंथरा ने जाके उनको कहा कि श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, उनको युवराज पद पे उनको महाराजा दशरथ प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने गले का एक मोतियों की माला थी उनके गले में, वो निकाल करके मंथरा को दे दी, लेकिन मंथरा ने उसको फेंक के मारा, तो उसको समझ में नहीं आया कि इसको हो क्या गया। तो कहते हैं कि व्यक्ति को ना नेगेटिव बातें जल्दी समझ में आती हैं, पॉजिटिव समझाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, पर एक बार दिमाग में कोई नेगेटिव बात घुस जाए उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो मंथरा ने पूरा जो उसका नेगेटिव माइंड था पूरा कैकेयी के ऊपर आरोपित कर दिया। तो ऐसा हम सब के जीवन में होता है, तो हमें रामायण से ये हम सीख सकते हैं कि जब कोई इस तरह से किसी दूसरे के बारे में ऐसे हमारे मन को विकृत करने लगे तो थोड़ी देर के लिए हमें रुक जाना चाहिए और उस व्यक्ति को वहीं रोक देना चाहिए। तो इन्होंने क्या क्या किया, पूर्वम दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचयत, पहले से ही जिसको वरदान मिल चुका था उस देवी कैकेयी ने ये वर, इस वर की याचना की, इस वर को मांगा, क्या वर मांगा, विवासनम च रामस्य, राम का तो वनगमन होना चाहिए, विवासनम माने वनगमन, माने यहाँ से देश निकाला देना चाहिए, और भरतस्य अभिषेचनम, और ये अब भरत का अभिषेक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने दो वर देने के लिए मेरे को प्रतिज्ञा की थी पहले कभी, तो मैं आज अपने वो दो वर मांगती हूँ, और मेरे वो दो वरों में से पहला वर है राम का वनवास और दूसरा वर है भरत का अभिषेक। स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम्। और राजा जो है वो सत्य के वचनों में बंधा हुआ था। इनके कुल में ऐसी एक परंपरा थी कि भाई जो बोल दिया ना उसको फिर ये तोड़ते नहीं थे,
तो इन्होंने पहले वचन दे रखा था। कहते हैं कि कभी एक बार देवराज इंद्र से इनका युद्ध हुआ था, महाराजा दशरथ था, और उस युद्ध में कैकेयी भी उनके साथ गई थी। और उस समय उनका जो रथ का चक्र था, इंद्र ने उसको बाण मार करके रथ उसकी धुरी को तोड़ दिया। तो रानी ने मतलब रथ से राजा गिर ना जाए तो इन्होंने अपना हाथ उसमें डाल दिया था धुरी के रूप में, तो इसके इनका हाथ घायल हो गया था, चोट हो गया था। और उसी समय राजा ने उनके ऊपर प्रहार करके इंद्र को पराजित कर दिया। और जब राजा को पता लगा कि मेरी इस सॉरी हाँ उसको पराजित कर दिया, ये विजयी हो गए। और जब इनको पता लगा कि मेरी विजय का कारण ये रानी का इतना बड़ा पुरुषार्थ है, त्याग है, पहले महिलाएं भी युद्ध में दक्ष होती थी, आज भी होती हैं, तो कई युद्ध में दक्ष थी, तो वो साथ गई थी युद्ध में। खुश होकर के महाराज ने उनको कहा कि कुछ भी वरदान मांग लो, आज आपने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करवाने में मेरा इतना बड़ा सहयोग किया है। तो कैकेयी ने कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। फिर भी उन्होंने आग्रह किया तो इन्होंने कहा कि कभी समय आने पर मैं वो अपने वरदान मांग लूँगी। और इस समय इनको याद भी नहीं था कि मुझे कोई वरदान मांगना है। मंथरा ने इनको याद दिलाया कि आपके पास तो एक इतना बड़ा हथियार है कि आप वो वर आज मांग सकती हैं, तो इसलिए इस समय इन्होंने वो वरदान मांग लिए। और राजा क्योंकि सत्य में बंधे हुए थे, अब कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि महाराजा दशरथ को ऐसे अपनी पत्नी की बातों में आकर के इतना बड़ा अनर्थ नहीं करना चाहिए था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो होनहार होता है उसको कोई टाल नहीं सकते हैं, ऐसे ही होना था, ये पहले से ही सुनिश्चित था, उनको शाप मिला हुआ था श्रवण कुमार के माता पिता से। तो अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं, तो वो कितना उसमें क्या है उसका यहाँ वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं है। बस यहाँ सीधा यही बता दिया कि स राजा वह राजा सत्य वचनात् संयतः, सत्य वचन से युक्त होने के कारण, धर्म पाशेन, धर्मात्मा थे ना, तो वो राजा धर्म के बंधन में बंध करके और अपने सत्य से युक्त होने के कारण प्रियम सुतम रामम विवासयामास दशरथः। उस राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को विवासयामास, वनवास भेज दिया। स जगाम वनम वीरम प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। तो ऐसा करने से स वीर, वह वीर अर्थात श्री राम, वनम जगाम, वन को चले गए। प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। प्रतिज्ञा किसकी थी? प्रतिज्ञा तो इनके पिता की थी, मतलब जो वर देना था। और इनकी प्रतिज्ञा क्या थी, श्री राम की प्रतिज्ञा क्या थी? इनकी प्रतिज्ञा ये थी कि ये पिता के आज्ञाकारी थे, कि जो पिता ने कह दिया ठीक है। फिर तो सह सह वीर वनम जगाम, प्रतिज्ञाम अनुपालयन, प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। पितुर वचन निर्देशात्, अपने पिता के वचन के निर्देश के कारण, जैसा पिता ने निर्देश दिया उस निर्देश का पालन करते हुए ये पुत्र कैकेय्या प्रिय कारणात्, कैकेयी के प्रिय के कारण, प्रिय मतलब उनकी खुशी के कारण, माता को इससे खुशी मिलेगी और पिता की इसमें आज्ञा का पालन होगा। तो ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये बड़े ऐसे निराले होते हैं। जैसे एक बिहार प्रांत में मोरध्वज राजा की कहानी जो सुनी जाती है, तो वो भी बड़े धर्मात्मा थे। और एक बार भगवान ही उनकी परीक्षा लेने के लिए जब
संतों का वेश धारण करके आते हैं और बोलते हैं कि हमें अपने पुत्र को चीर करके दो, मतलब हमें मांसाहार करना है और वो भी मनुष्य का करना है, वो भी बच्चे का करना है और आपके ही पुत्र का करना है, और तुम्हें खुद ही अपने बच्चे को आरे से चीर करके उसका हमें मांसाहार करवाना है। तो वहाँ भी वो जो उनका बेटा है वो बोलता है कि ये तो बड़े मेरे सौभाग्य की बात है, पिता की आज्ञा संतों की सेवा कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है वन में जाना, ये मेरे पिता की आज्ञा है और मेरी माँ का ये प्रिय लगने का हेतु है, मेरी माँ को अच्छा लगेगा और पिता का आदेश पालन होगा, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये पितुर्वचनात् कई कैया प्रिय कारणात्, के कई के प्रिय के कारण और पिता के वचन के निर्देश से वो श्री राम वीर वनम जगाम वन को गई। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम हह। तम उस श्री राम को व्रजंतम वन में जाता हुआ देख करके प्रिय भ्राता लक्ष्मण है जो उनका छोटा भाई था लक्ष्मण, अनुजगाम हह, उन्होंने भी उनका अनुसरण किया, उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूँगा। स्नेहाद विनय संपन्न, प्रेम से और विनय से संपन्न है वो। सुमित्रा आनंद वर्धन, जो सुमित्रा के आनंद का वर्धन करने वाले, उनके आनंद को बढ़ाने वाले जो लक्ष्मण हैं, उन्होंने भी यहाँ लक्ष्मण को बताया विनय संपन्न, विनय से संपन्न। तो अपने भाई का वो इतना सम्मान करते हैं और इतना उनसे प्रेम करते हैं, तो दो विशेषण डाले यहाँ पर, स्नेहाद और विनय संपन्न, स्नेह के कारण और विनय संपन्न होने के कारण सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने भी अपने प्रिय भाई का, प्रियो भ्राता लक्ष्मण अनुजगाम, उनका अनुसरण किया, वो भी पीछे चलने लगे। भ्रातरम दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम अनुदर्शयन्। भ्रात्रम भ्रातु दयितः, माने अपने भ्रात्रम अपने भाईचारे का, भ्रातरम दयितः परिचय देते हुए कि मैं आपका भाई हूँ, माने भाई है तो भ्रातृत्व दिखाने का जब समय होता है तो उस समय दिखाई, तो ये अपने भ्रातृत्व का परिचय देते हुए सौभ्रात्रम अनुदर्शयन, जो इनका सौभ्रात्रम था माने सुभ्रातृत्व था, उसका प्रदर्शन करते हुए अनुदर्शयन, अनुदर्शयन माने अनुसरण किया, उसको प्रदर्शन करते हुए, मतलब कहते हैं ना भाई भाई है तो किसी मुसीबत में काम आए वो भाई है, जब खुशी खुशी होती है, जब जीवन में सब प्रकार की संपन्नता होती है तब तो कोई भी भाई बन जाता है, लेकिन जिस समय व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है उस समय जो साथ निभाए वास्तव में वो ही भ्रातृत्व है। तो लक्ष्मण भी साथ चल पड़े हैं, श्री राम भी चल रहे हैं। इसके बाद रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमावधु सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। तो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण भी पीछे पीछे चल पड़े तो रामस्य दयिता भार्या, राम के प्रति जिनका दायित्व है पत्नी का, ऐसी उनकी पत्नी नित्यं प्राण समहितः, जो निरंतर प्राण के समान
उनकी प्रिय है और उनका हित करने वाली है। नित्यम प्राण समा, प्राण के समान व्यक्ति को सबसे प्रिय अपना प्राण लगता है। बोलते हैं ऐसे कि आप हमें अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय यदि व्यक्ति को कोई चीज़ होती है तो वो अपना जीवन और अपना प्राण होता है। तो ऐसी अनेक वो भी हैं, कथाएं भी हैं संसार में, लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हमें प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन जब प्राण के ऊपर संकट आता है ना, तो फिर व्यक्ति अपने प्राण को बचाना चाहता है दूसरे की बजाय। तो ऐसे कोई एक बार एक जो युवक है किसी सन्यासी के पास गए और उन्होंने उसको अध्यात्म की शिक्षा दी कि भाई कुछ अपने जीवन के उत्थान के लिए थोड़ा कुछ पुरुषार्थ कर लो, कोई प्रयास कर लो, ये संसार तो ऐसे ही चलता है। तो उन्होंने कहा कि जी कर तो लूँ, लेकिन मेरी माता जी का मेरे ऊपर इतना प्रेम है। उन्होंने कहा तुम आश्रम में आ जाओ, कुछ दिन आके यहाँ साधना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। बोल जी मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरी माता जी तो मेरे बिना एक मिनट भी रह ही नहीं सकती हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसकी किसी दिन परीक्षा कर लेना। तो बोल जी फिर भी माता जी को भी मना लूँ तो मेरे पिता का इतना प्रेम है, पिता को भी मना लूँ तो मेरी पत्नी तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा अच्छा इसकी परीक्षा कर लोगे तब तो मेरे आश्रम में आ जाओगे। बोले हाँ, अगर इसकी आप मेरे को ये दिखा दें इसका सत्य तो मैं आपके आपका शिष्य बन जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ा ना प्राणायाम करना सीख लो। तो उसको प्राणायाम करना सिखाया और उसको ऐसी विधि बता दी कि वो कम से कम आधे घंटे तक अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके और ऐसे रह सकता है। तो ऐसी विधि उसको सिखा दी। तो एक दिन जो है उसने सुबह सुबह अपने प्राण को चढ़ाया ब्रह्मरंध्र में और वो ऐसे हो गया कि जैसे उसमें प्राण है ही नहीं, निष्प्राण हो गया, मतलब डेड बॉडी जैसे हो गया। तो माताजी ने देखा, पिता ने देखा, पत्नी ने देखा, पूरे घर में कोहराम मच गया। एक ही बेटा था, इतना सुयोग्य था, तो अब क्या करें। तो ऐसे थोड़ी देर वो चला, वो आराम से लेट रहा था, उसको नीचे ज़मीन पे लिटा दिया गया, चद्दर उड़ा दी गई उसको। और थोड़ी देर तो उसने प्राण रोका और जब ये सुनिश्चित हो गया कि अब ये नहीं रहा तो उसने आराम से अपने श्वास लेने शुरू कर दिए और उसको चद्दर उड़ा दी। वो आराम से सो रहा था और सारी बातें सुन रहा था कौन कौन रो रहा है। तो चारों तरफ बैठ के सब संबंधी, माता पिता पत्नी सब रो रहे थे। तो इस प्रकार का कोहराम मच रहा था, तभी वो सन्यासी भी उधर आ गया, भाई क्या हो गया आज इस घर में। तो बोल जी आज तो बड़ा अनर्थ हो गया, तो आप ही कुछ अगर कर सकते हैं तो कुछ करें, ढांढस बंधाएं घर घर परिवार वाले लोगों को। तो वो अंदर गई तो उन्होंने तो पहले ही कह रखा था, सब प्री प्लान था। तो उन्होंने उसको चादर को उठा करके देखा और ऐसे उसकी उसके हाथ की नर्व्स को देखा। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा प्राण तो बचा है, तो मैं आप कहो तो एक कोशिश करके देख लूँ, मेरे पास भी एक विद्या है। तो सब ने कहा महाराज सन्यासियों का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है, तो आप कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास एक पाउडर है, एक पुड़िया है और वो मैंने बहुत तपस्या से प्राप्त की है। तो वो घोल करके, अच्छा उससे पहले माँ रो रही थी कि बेटे के मरने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई, मरने की उम्र तो हमारी थी। पिता भी ऐसे ही कह रहे थे, पत्नी कह रही थी कि इससे अच्छा तो मैं मर जाती, मेरे पति जिंदा रहते। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास एक पाउडर है, लेकिन शर्त ये है ये जिंदा तो हो सकता है पर जो इस पाउडर को घोल के पिएगा वो व्यक्ति मर जाएगा, मतलब उसका जीवन इसको मिल सकता है। तो अब जो जितने लोग बैठे थे अड़ोसी पड़ोसी वो एक एक करके खिसकने लगे, जीवन कौन दे दे, अपना प्राण तो सबसे प्रिय है। तो फिर उनकी माताजी को कहा कि आप तो अभी कह ही रही थी मैं मर जाती, वैसे भी आपने तो सारा संसार देख लिया, तो बेटे बहू जिंदा रहेंगे तो आपको तो जाना ही है, तो आप ही पी लो। बोली जी मैं पी तो लेती लेकिन मेरे बिना ये मेरे पति को कौन संभालेगा।
तो इनकी तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, तो इसलिए मैं तो नहीं पी पाऊंगी। तो फिर पिता को कहा कि भाई आप पी लो, आप तो पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं। बोल जी मैं पी तो लूँगा, लेकिन मेरे को सारा कारोबार, दुकान सब, बच्चे को तो कुछ पता भी नहीं है, सारा तो मेरे ही हाथ में है, अगर मैंने पी लिया तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर पत्नी से कहा कि आप तो अर्धांगिनी हैं, तो कम से कम आप ये बलिदान कर दो अपने पति के लिए। तो उसने कहा कि मैं पी तो लूँगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि यदि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे पति भी नहीं रह पाएंगे मेरे बिना, वो मेरे से इतनी प्रीति करते हैं। पत्नी ने भी मना कर दिया। फिर सब जो आसपास बैठे थे उनकी तरफ पाउडर को किया सन्यासी ने कि आप में से कोई ये बलिदान कर सके। बोले महाराज देखो ये तो घर वालों का ही कर्तव्य बनता है, अब हमारे तो अपने दायित्व हैं। एक एक करके सब ने मना कर दिया। तो महाराज ने कहा कि अच्छा तो क्या मैं पी लूँ क्या फिर इसको? तो सब बोले वाह वाह महाराज, संतों का तो जन्म ही दूसरों के लिए होता है, परोपकाराय पर धृत शरीरम, सन्यासी तो होते ही दूसरों के लिए, परोपकार के लिए, और आप तो आज गए तो और कल गए तो एक ही बात है, तो आप ही इसको पी लीजिए। बोले ठीक है भाई, जैसी आप सबकी इच्छा, तो हम ही पी लेते हैं। तो उसको पाउडर को पानी में घोला और उसने पी लिया। पाउडर कुछ नहीं था, ग्लूकोज डी था, उन्होंने पी लिया। और पीते ही उसको तो बता रखा था, उसके कान में उन्होंने बोल दिया था कि जैसे मैं पाउडर पीऊँ तू खड़ा हो जाना। वो खड़ा हो गया, वो तो मरा कहाँ था खड़ा होने के लिए, वो सो रहा था आराम से। तो सब ने बड़ा जय जयकार करना शुरू कर दिया और उसका, साधु का बड़ा धन्यवाद किया। अब उस युवक ने कहा कि भाई मैंने संसार का स्वरूप देख लिया है और अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं इनके साथ ही साधना करूँगा और अपने जीवन को धन्य करूँगा, मैं भ्रम में था। तो इससे ये पता लगा कि हर व्यक्ति को अपना प्राण सबसे प्रिय होता है। हम बोलते तो हैं दूसरे को कि वो मेरे को प्रिय है। तो यहाँ सीता माता के लिए ये शब्द आया, रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समहिता, प्राण के समान हित करने वाली, प्राण के समान प्रिय भी है और हित करने वाली है। जनकस्य कुले जाता, जो जनक के कुल में पैदा हुई हैं, देव माया इव निर्मिता, और मानो भगवान की माया के समान, ईश्वर की माया के समान उनका निर्माण हुआ है। सर्व लक्षण संपन्ना, सब लक्षणों से वो सुसंपन्न है। नारीणाम उत्तमा वधु, और नारियों में वो बहुत उत्तम वधु हैं। सीता पी अनुगता रामम, तो उस सीता ने भी राम का अनुगमन किया। शशिनम रोहिणी यथा, जैसे रोहिणी चंद्रमा का अनुसरण करती है। पी रही अनुगतो दूरम पित्रा दशरथिन च, पोरई, और जो पुरवासी हैं उन्होंने भी श्री राम का अनुसरण किया। पित्रा दशरथिन च, और पिता दशरथ ने भी, माने सब नगर के वासी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और राम लक्ष्मण और सीता वो तीनों वन को गमन कर रहे हैं। तो अब इससे आगे की जो शेष चर्चा है वो अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः।